नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल फैंटासी विन में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज का पहला T20 आई मैच खेला जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में ड्रीम 11 प्रेडिक्शन एंड पिच रिपोर्ट कवर करने वाला हूँ कि कौन सा आज गेंदबाज रहेगा जो अच्छे फॉर्म करके दिलाएगा, चाहे साउथ अफ्रीका की बात करें चाहे वेस्ट इंडीज की बात करें। अगर साउथ अफ्रीका में देखा जाए तो कितने फास्टर बॉलर है, कितने स्पिन गेंदबाज है, और वही वेस्ट इंडीज की बात किया जाए क्या आज स्पिन गेंदबाज सबसे अधिक विकेट निकाल कर दिलाएंगे, कौन सा ऐसा गेंदबाज रहेगा जो आज अच्छे फॉर्म करके दिलाने वाला है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में डेकॉक एंड ऐसे जो बड़े प्लेयर है इस T20 में नहीं उनका नाम है, लेकिन अगर इसमें वेस्ट इंडीज में देखा जाए तो आंद्रे रसल यानी क्रिकेट का सबसे अच्छे फॉर्म करने वाले और अच्छे ऑलराउंडर में बात किया जाए तो आंद्रे रसल भी इसमें इस टीम में नहीं होने वाले, लेकिन आज का जो कैसा रहेगा इस वीडियो में आपको बताने वाले। उससे पहले अगर देखा जाए तो कौन सा वो 6 खिलाड़ी आज रहेगा जो आपको अपने ड्रीम 11 में फिश करके जाना, यानी देखा जाए तो इन 6 खिलाड़ी का T20 फॉर्मेट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको ध्यान से देखेगा, अगर इसमें देखा जाए तो किस स्टेडियम में खेला जाएगा, यानी वैल लेरा स्टेडियम और आपको वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। सबसे पहले अगर वेस्ट इंडीज का जो पिच देखा जाए ना, इसमें वर्ल्ड कप का मैचेस खेला गया था, यानी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का इसमें मैचेस हुआ था, जिसमें से अगर लोवेस की बात करें तो इसमें युगांडा के तरफ से 40 पर 10 विकेट गया था, लेकिन अगर हाईएस्ट टोटल की बात करें तो इसमें इंग्लैंड बनाया था 267 रन 3 विकेट को नुकसान पर, लेकिन हाईएस्ट चेसेस की बात करें तो 180 गया था एंड लोवेस्ट डिपेंडेंट की बात करें तो 40 पर 10 विकेट गया था। अब आपको ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें देखा जाए टोटल मैचेस खेला गया था, इसमें 9 मैचेस खेला गया, लेकिन पहले बैटिंग करने वाली टीम यानी 79 बार विन कर चुकी है एंड यहां पर पहले बॉलिंग करने वाली टीम यानी 4 बार जीतेगा, यानी कोई भी अगर टॉस जीतता है तो सबसे पहले चाहेगा बैटिंग करना, इस बात को ध्यान से देखेगा। अब आपको ध्यान से देखा, पहले इनिंग का स्कोर देखा जाए तो 120 जाने वाला है एंड सेकेंड इनिंग का स्कोर देखा जाए तो 119 जाने वाला है। इस स्टेडियम की बात करें तो कभी भी हाई स्कोरिंग पैटर्न नहीं गया है, एक बार गया है जो इंग्लैंड बनाया था, 267 रन गया था। अब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, अगर इसमें देखा जाए तो स्कोरिंग पैटर्न क्या हो सकता है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए अफगानिस्तान इसमें 56 रन बनाती है और आपके सामने इसका भी 10 विकेट गया था 11 ओवर में, पेसर को 8 विकेट मिला था। साउथ अफ्रीका बहुत आसानी से इस मुकाबला को 8.5 ओवर में चेस कर जाता है, जिसमें से स्पिन गेंदबाज को 3 विकेट मिलता है और यह महामुकाबला चेस हो गया है, लेकिन इसमें स्पिन को सबसे ज्यादा कम सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए पीएनजी जो 78 रन बनाता 10 विकेट के नुकसान पर और 19 ओवर में 78 रन बनाता है, लेकिन पेसर को 10 विकेट मिला था, और वही न्यूजीलैंड 79 रन बनाता है और बहुत जल्दी आसानी से इसमें 12 ओवर में इस महामुकाबला को चेस कर जाता है। अब आपको ध्यान से देखेगा, अगर तीसरा मैचेस देखा जाए तो यूजीए इसमें 40 रन बनाता है और यहां पर पीएनजी 95 रन बनाता है, यानी इस स्टेडियम में देखा जाए तो कोई भी हाई स्कोरिंग पैटर्न नहीं गया, इस बात को ध्यान से देखिएगा। अगले मैचेस की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है इसका बाउंड्री लेंथ क्या हो सकता है, यानी इस स्टेडियम में देखा जाए तो बाउंड्री डिस्टेंस कितना हो सकता है। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो स्टेट साइड में आपको 62 मीटर का बाउंड्री होने वाला है, लेकिन अगर इसके पीछे का जो बाउंड्री देखा जाए तो 72 मीटर का बाउंड्री होने वाला है, लेकिन अगर शॉट में बात करें तो 60 मीटर एंड यहां पर कॉव कॉर्नर की बात करें ये भी 60 मीटर का होने वाला है, लेकिन अगर राइट हैंडेड की बात करें 74 मीटर का बाउंड्री होने वाला है, लेफ्ट हैंडेड की बात करें तो इसमें 65 मीटर का होने वाला है एंड यहां पर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट दोनों पीछे का बाउंड्री सेम होने वाला है, यानी 72 मीटर का बाउंड्री होने वाला है और इसमें अच्छे खासे आपको बैटमैन बैटिंग करके दिलाने वाले, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगर इसमें देखा जाए पिच रिपोर्ट क्या कहता है, गेंदबाज को लेकर जाना चाहिए या आपको बल्लेबाज को लेकर जाना चाहिए, यानी ब्रेन लेरा क्रिकेट एकेडमी का अगर पिच की बात करें तो एक बैलेंसर पिच है, यानी इसमें एक संतुलित पिच होने वाला है और इस स्टेडियम का बाउंड्री देख सकते हैं 70 से 72 मीटर का होने वाला है और उसके सबसे छोटी बाउंड्री 60 से 63 मीटर होने वाला है और पिच पर उछाल कम देखने को मिलता है,
तथा इस स्टेडियम में हाई स्कोरिंग मैच बहुत कम देखने को मिलता है। इस तरह से आपका पिच रिपोर्ट होने वाला है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप ग्रेन लीगेज कैसे जीत जाते हो, तो मैं जो जीतता हूं ना वो पिच रिपोर्ट पर बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूं कि मुझे आज का जो कॉम्बिनेशन कैसा बनाना चाहिए और अपने टीम में कौन सा गेंदबाज और बॉलर को लेना चाहिए, यही मैं सबसे ज्यादा रिसर्च करता हूं और मैं अच्छे खासे रैंक लाता हूं। सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो इन दोनों के बीच में हेड टू हेड मैचेस देखा जाए तो इसमें लास्ट अगर 10 मैचों का परफॉर्मेंस देखा जाए तो साउथ अफ्रीका 4 मैचेस किया है विन किया है, यहां पर वेस्ट इंडीज इसमें 6 मैचेस किया है, यानी दोनों टीम बहुत तगड़ी है और अच्छे खासे भी आपको स्कोरिंग पैटर्न देखने की मिलेगा। अब आपको ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों के बीच में प्लेइंग 11 की बात करें तो क्या रहने वाला है। सबसे पहले अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, या साउथ अफ्रीका नहीं वेस्ट इंडीज, थोड़ा एडिटिंग में गलती हो गया है, वेस्ट इंडीज का प्लेइंग 11 देखते हैं। पहले नंबर पर साई होप, दूसरे नंबर पर जसन चार्ल्स, तीसरे नंबर पर निकलेस पूरन, चौथे नंबर पर रोस्टन चेस, पांचवें नंबर पर सिमरन हिटमायर, छठवें नंबर पर रोमारियो सैपर, छठवें नंबर पर रोवन पॉल जो इसमें टीम को लीड करने वाले, आठवें नंबर पर एकिला हुसैन, नौवें नंबर पर फेविन एलन, दसवें नंबर की बात करें तो ओवेट मैक कोई हो सके, ग्यारह नंबर की बात करें तो समर जोसेफ हो सकते हैं जो इसमें अच्छे फॉर्म करके दिला सकते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो कितना फास्टर कितना ऑलराउंडर होने वाले तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। एंड अगर इसमें देखा जाए तो साउथ अफ्रीका का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, पहले नंबर की बात करें तो रियान रिकस्टेन होने वाले, एंड दूसरे नंबर पर रिजा हेंड्रिक्स, तीसरे नंबर पर कप्तान एडन मार्करन होने वाले जो इसमें हो सकता है अगर बॉलर कम पड़ेंगे तो स्पिन गेंदबाज में आपको अच्छे पाम करके दिला सकते हैं, एंड ऋषभ वेंडर दुसेन हो सकते हैं, पांचवे नंबर की बात करें तो डोवेन फरेरा, एंड छठे नंबर पर ट्रिस्टन इट्सवेट, एंड सातवें नंबर की बात करें तो मियाल मुंडर, एंड आठे नंबर करते वर्जन फॉर्चून, एंड नौवे नंबर की बात करें तो ऑर्नांद्र बर्गर, दसवें नंबर पर ओटेन ब्रेटमैन, एंड ग्यारह नंबर की बात करें तो एंगी लुंगड़ी होने वाले जो इसमें अच्छे पाम करके दिला सकते हैं। क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका को देखा जाए तो आपको पता होगा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड का फाइनल मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया था और इंडिया इनको बुरी तरह से हरा दिया था फाइनल में। अब आपको ध्यान से देखिएगा, इसमें देखा जाए तो साउथ अफ्रीका का अगर रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो सबसे पहले रियान क्रिस्टन की बात करें, इनका सिर्फ एक मैच में अच्छा फॉर्म हुआ है और राइट हैंडेड बैट्समैन से 89 रन का परफॉर्मेंस करके दिलाए। दूसरे नंबर पर रिजा एंड्रिस की बात करें, इनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है तो इनको अपनी टीम में पिक करके जा सकते हैं, 37/17, 4/27, 34 रन का परफॉर्मेंस है और ये भी राइट हैंडेड बैट्समैन से। तीसरे नंबर पर एडन मार्करन जो आपको ऑलराउंडर काम करेंगे, स्पिन गेंदबाज और टीम को लीड करने वाले, एंड चौथे नंबर की बात करें ऋषभ वेंडरसन की बात करें जो इनका परफॉर्मेंस देखेंगे 4 रन 23 रन 18 रन 3 रन मिडल ऑर्डर में आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट पिक हो सकते हैं, तो इन पर मुझे आशा है इस बार अच्छे फॉर्म करके दिला सकते हैं। लेकिन पांचवें नंबर की बात करें तो डोवन फोरेरा जो इसमें अगर देखा जाए तो राइट हैंडेड बैट्समैन से और अच्छे फॉर्म करके दिला सकते हैं। लेकिन अगर ट्रिस्टन इट्सवेट की बात करें तो इन्होंने आपने देखा होगा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में कम समय में ताबड़तोड़ बैटिंग करके दिलाते हैं और इनको अपने टीम में मिडल ऑर्डर में पिक करके जाना है। एंड मियान मुंडर की बात करें 13 रन एंड 0 विकेट 16 रन 0 विकेट 9 रन 1 विकेट बॉलिंग आपको कराएंगे, अच्छे फॉर्म करके दिला सकते हैं। एंड उसके बाद वर्जन फॉर्चून की बात करें 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, एंड यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट नांद्रे बर्गर जो आपको स्टार्टिंग हो सकता है बॉलिंग कराए और आपको एक मैच में उन्होंने 2 विकेट निकाल के रखा है। एंड उसके बाद ओटेन ब्रेटमैन जो आपको 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट इस तरह से परफॉर्मेंस है। लुंगी एंगड़ी की बात करें 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट इस तरह से इनका परफॉर्मेंस होने वाला है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो कौन सा इसमें से पिक करना है आगे मैं आपको बताने वाला हूं, उससे पहले आपको ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें देखा जाए तो वेस्ट इंडीज का प्लेइंग 11 का रिसेंट फॉर्म क्या हो सकता है, कौन सा वो 11 खिलाड़ी में से आपको कुछ यूनिक प्लेयर लेकर जाना चाहिए। सबसे पहले विकेट कीपर में साई होप देखा जाए तो एक मैच में इन्होंने 82 रन का परफॉर्मेंस किया है राइट हैंडेड बैट्समैन, एंड जेसन चार्ल्स की बात करें एक मैच में 43 रन 44 रन 38 रन, एंड तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर रेस्टन चेस होने वाले हैं एंड यहाँ पर कुशल मेंडिस हो गया है, लेकिन चौथे नंबर पर निकलेस पूरन जो इसमें अच्छे फॉर्म करके दिला सकते हैं, एंड सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सिमरन हिटमायर की बात करें तो आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एंड रोवन पॉल, एंड उसके बाद रेमारियो सैपर्ड, एंड फेविल एलन का देखा जाए तो उससे ज्यादा इंपोर्टेंट अकील हुसैन 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट अच्छे पम करके दिलाए, और ओबी एमसी मैक की बात करें 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, एंड उससे ज्यादा इंपोर्टेंट समर जोसेफ जो इसमें अच्छे फॉर्म करके दिला सकते हैं और आपको सबसे यूनिक परफॉर्मेंस करके दिलाने वाले। लेकिन अगर इसमें देखा जाए
तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है स्टार्टिंग बॉलिंग एंड डेथ बॉलिंग क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में अगर बेंच प्लेयर की बात करें तो एल विलियमसन इसमें हो सकता है बैटर है, एंड उसके बाद के मपाका एंड जसन स्मिथ हो सकते हैं। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका का पावर प्ले एंड डेथ ओवर की बात करें तो इसमें पावर प्ले में स्टार्टिंग बॉलिंग लोंगे एंगड़े एंड उसके बाद नंद्र बर्गर एंड यहाँ पर वर्जन फॉर्चून हो सकते हैं। लेकिन डेथ बॉलिंग की बात करें ओ बैटरमैन एंड लोंगे एंगड़े एंड नंद्र बर्गर इसमें अच्छे फॉर्म करके दिला सकते हैं। अब आपको ध्यान से देखेगा अगर वेस्ट इंडीज को देखा जाए ए थर्नांडेज हो सकते हैं एंड जी मोटिया एंड एम फॉरवर्ड हो सकते हैं जो इसमें बेंच प्लेयर हो सकते हैं। लेकिन पावर प्ले एंड स्टार्टिंग बॉलिंग बात करें तो एक्लेसन स्पिन गेंदबाज में स्टार्टिंग बॉलिंग कराते हैं हमेशा के लिए एंड ओवे मैसी हो सकते हैं एंड उसके बाद समर जोसेफ या जो तीन बॉलर होंगे वो आपको पावर प्ले से पहले बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर इसमें देखा जाए डेथ बॉलिंग में तो ओवेड ओमसे एंड यहाँ पर समर जोसेफ एंड आर सैफर्ड हो सकते हैं जो इसमें अच्छे फॉर्म करके दिला सकते हैं। एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर इसमें देखा जाए तो आज का कौन सा वो छह खिलाड़ी रहेगा जो आपको अपने ड्रीम टीम में पेश करके जाना है। सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो रसन चेस की बात करें तो इनको अपने टीम में पिक करके जाना है। T20 के फॉर्मेट में 338 पॉइंट दे रखा है एंड यहाँ पर ओ ब्रेटमैन की बात करें बॉलर में 216 पॉइंट दे रखा है एंड निकलस पुरन विकेट कीपर में 303 पॉइंट, आर वेंडर दुसेन की बात करें बैटर में 209 पॉइंट एंड साई होप विकेट कीपर में 270 पॉइंट, आर्टिस्टन स्मिथ बैटर में 178 पॉइंट। क्योंकि ये जो छह खिलाड़ी होंगे कभी आपको वक्त बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं और आपको ड्रीम इलेवन चेंजर बना सकते हैं। यह छह खिलाड़ी आपको अपने ड्रीम टीम में फिक्स करके जाना। अब चलिए अगर इसमें देखा जाए तो आज का ड्रीम टीम क्या हो सकता है। तो मैंने विकेट कीपर में निकलस पुरन को ले रखा है एंड बैटर की बात करें तो ट्रिस्टन स्मिथ एंड सिमरन इंडमायर को मिडल ऑर्डर में ले रखा है एंड आरविन रसन को इस बार अपने टीम में कैप्टन बना के जा रहा है। एंड अगर इसमें देखा जाए तो ऑलराउंडर एंड बॉलर की बात करें तो आर सैफर्ड को एंड रसन चेस को एंड एडन मार्क्रोन को ले रखा है। अगर बॉलर की बात करें तो नंद्र बर्गर और एमसी के को ले रखा है एंड एनी लुंगडे को एंड एमसेन को ले रखा है जो इसमें अच्छे फॉर्म करके दिला सकते हैं। अगर इसमें कोई भी चेंजेस होता है, अगर मान लीजिए अगर कोई प्लेयर नहीं है खेलता है तो सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।